दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे पसंदीदा कंपनी सैमसंग के बारे में, जिसने दुनिया को सिर्फ डिजिटल का रास्ता ही नहीं बल्कि इंसानियत की विरासत दिखाई है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कंपनी का इंसानियत से क्या लेना देना, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि सैमसंग ने अपने बिजनेस से ज़्यादा लोगों का घर बसाया है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1995 में सैमसंग ने 1.5 लाख से ज़्यादा फोन सबके सामने चिकना चोर कर दिया था, और ये तमाशा 2000 से ज़्यादा लोगों ने देखा था। आइए जानते हैं शुरू से सैमसंग की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के समय सभी देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और कोई का कोई भरोसा नहीं था कि कौन कब मारा जाएगा। और उस टाइम लोगों को जीने से अच्छा मर ही जाना ज़्यादा अच्छा था, और सभी बड़े छोटे लोगों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। और यही सेम हालत साउथ कोरिया की थी। उस समय साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीबों देश में से एक थी, और यही सब हालत देखते हुए साउथ कोरिया के 29 साल के लड़के ने, जिसका नाम ली यूंग चुल था, उसने अपने देश के लिए कसम खाई और बोला कि मैं एक कंपनी के द्वारा अपने देश की गरीबी को ख़त्म करूंगा, ये मेरा सपना है। और उसी साल ली ने 1938 में 40 लोगों के साथ सैमसंग कंपनी स्टार्ट किया, जो कि ट्रेडिंग करती थी। मतलब इन 1938 में सैमसंग अपने बिजनेस में मैगी, मछली, चीनी जैसे आइटम को लोकल मार्केट में सेल किया करती थी, अपने देश के लोगों को खाने पीने का इंतजाम करती थी। समय बढ़ने के साथ साथ ली ने सैमसंग को रिटेल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी सिस्टम, रॉ मैन्युफैक्चर और बहुत सारे सेक्टर में फैला दिया, और हर एक सेक्टर की स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिया, और सभी फील्ड में बहुत तेज़ी से काम करने लगी। दोस्तों, सैमसंग अपने सभी फील्ड में इसलिए सक्सेसफुल होती जा रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता थी उस चीज़ को लोगों तक बहुत ही आसानी तक पहुँचाती थी, और लोगों की ज़रूरतें सैमसंग की वजह से पूरी होती जा रही थी। अब 22 साल बाद सैमसंग ने 1960 में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हाथ डाल लिया, और सैमसंग ने अपना पहला इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट 12 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को मैन्युफैक्चर किया। और सन 1980 तक सैमसंग ने स्विच बोर्ड, फैक्स मशीन, समय बढ़ते बढ़ते मोबाइल फ़ोन भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। और सैमसंग ने 1986 में अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, जिसका नाम SH100 था, और ये फ़ोन इतना फ्लॉप हुआ कि कभी ली ने सोचा ही नहीं होगा, और अगले ही साल ली की मौत हो गई। और अभी तक सैमसंग ने 850 मिलियन फ़ोन मैन्युफैक्चर कर चुका है, जो कि कंपनी की कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन गई, और ऐसा ली ने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा। और सैमसंग धीरे धीरे सेपरेट होती जा रही थी। सैमसंग एक कंपनी से एक ग्रुप में बदल गई, जो कि सैमसंग ग्रुप में 80 सैमसंग कंपनी काम करते हैं, और सैमसंग धीरे धीरे इंटरनेशनल कंपनी की तरफ बढ़ती जा रही थी। और सन 1990 में सैमसंग कंस्ट्रक्शन ब्रांच को दो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन डील मिल गए। पहले ट्विन टावर, जो मलेशिया में है, जो कि 2004 तक की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और दूसरी बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है, जो अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और इन दोनों बिल्डिंग का निर्माण सैमसंग ने किया है। सैमसंग ने 1992 में मेमोरी चिप भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अब चाहे वो एप्पल के फ़ोन हो या किसी और के, सबको सैमसंग के ही चिप लेने पड़ते हैं। और 1995 में सैमसंग ने अपना पहला LCD स्क्रीन बना दिया, और सैमसंग के ग्रोथ को देखकर सोनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी ने टाई अप किया। और 2005 में सैमसंग ने इतना अंधाधुंध ग्रोथ किया जिससे कि सोनी जैसे कंपनी भी कहीं आसपास नज़र नहीं आती। दोस्तों, आप अभी भी सैमसंग को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की नज़र से देख रहे होंगे, लेकिन आपको फिर से बताऊं, चाहे वो मिलिट्री टैंक हो, मेडिकल सेंटर हो, ट्रांसपोर्ट से सैमसंग फायर, इंटरटेनमेंट, लाइफ एंड इंश्योरेंस, बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैमसंग सिटी, जितने भी मैंने नाम लिए हैं अभी बहुत कम है। सैमसंग को समझना 5 मिनट के वीडियो में काफ़ी मुश्किल है। आप इस बात से थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं कि सैमसंग में टोटल 5 लाख लोग काम करते हैं। मतलब कि अगर आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी के एम्प्लॉय को मिला दें तो सैमसंग इन सबसे कई ज़्यादा आगे रहेगा। सैमसंग की पर सेकंड की कमाई 5 लाख रुपया है। यहाँ तक कि सैमसंग के खुद एक शहर है जिसको सैमसंग डिजिटल सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बोलते हैं ना कि अगर आपका दिल ही सच्चा है तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता। ली ने सैमसंग को बिजनेस के तौर पे नहीं बल्कि अपने देश की हालत को देखकर, अपने देश के लोगों की हालत को देखकर शुरू किया था, जिसका मकसद ये था कि अपने देश के मुश्किलों को मिटाना है। सैमसंग की शुरुआत कहाँ खाने पीने के आइटम से शुरू हुई थी और आज कहाँ पहुँच गई। दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है। आज सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के कारण साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करके, कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं।
और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।